हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस अकोला। आई एम फिजिक्स फैकल्टी प्रवीण सिंह। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो उन होमवर्क के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा, आपको याद होगा, मैंने इस तरीके से होमवर्क दिया था और आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं कि नेचर ऑफ मोशन क्या है। जो भी ये इक्वेशन लिखी हुई है इनमें नेचर ऑफ मोशन क्या है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। फिलहाल के टाइम में आपके पास में केवल तीन ही काम होने चाहिए, मेनली स्टडी, स्टडी और स्टडी। इसलिए आप अपने स्टडी पे फोकस रखें और जो भी यहाँ पर वीडियो लेक्चर हो रहे हैं उसमें आप अपने नोट्स बनाएं प्रॉपरली तरीके से, और नोट्स बनाने के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है उसे आप रेगुलरली करते रहिए। क्लियर है? और कोई भी डाउट वगैरह आए तो कमेंट सेक्शन में, और उसके अलावा अपने व्हाट्सअप नंबर पे उसे भेज दीजिएगा ताकि अपन उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्या पूछा था सोचिए, फाइंड द नेचर ऑफ मोशन। हमसे नेचर ऑफ मोशन पूछा गया था लास्ट टाइम, वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसी के बारे में अपन से पूछा जा रहा है कि भाई ये इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, ये भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो ये किसकी है? क्या ये SHM की है, या ये पीरियोडिक है, या फिर ये पीरियोडिक भी नहीं है? तो पता करना था। अब आपको एक्सपोनेंट देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हो सकता है कि ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक ही नहीं हो, नॉन पीरियोडिक हो। लेकिन फिलहाल हम अपना एक टारगेट जो है उसे पूरा करेंगे, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करेंगे जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। चले फिर पता करते, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर हमें वेलोसिटी मिलेगी, तो देखिए क्या मिलता है, dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर जो दे रखा है a, एक कॉन्स्टेंट था बाहर आ चुका, e की पावर आयोटा, आपको मैंने बताया लास्ट टाइम में ये आयोटा है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो भी आपको मेंशन कर दी थी मैंने कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ रूट के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्सपोनेंट आयोटा ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ मिलेगा हमें, एक्सपोनेंट आयोटा ओमेगा टी। आयोटा ओमेगा टी का फिर से एडिशनल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के पार्ट में हम इसे पढ़ते हैं एडिशनल डिफ्रेंशिएशन। तो जैसे एडिशनल डिफ्रेंशिएशन क्या टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आयोटा ओमेगा टी का हमको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ साइड में, डी बाय डी टी आयोटा ओमेगा टी, इसकी वैल्यू है आयोटा ओमेगा। तो आयोटा ओमेगा में मिलेगा, वो हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे आयोटा इंटू ओमेगा। अभी ये dx by dt है क्या, वेलोसिटी है, चले फिर मेंशन कर लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन। तो हमने लिखा dv/dt दैट इज अवर एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू ये कॉन्स्टेंट है आगे एज इट इज लिख दिया a आयोटा ओमेगा, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें मिला e की पावर आयोटा ओमेगा t, और फिर से आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई में तो आयोटा ओमेगा का स्क्वायर। अरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a, अब आयोटा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने में हमें मिलेगा माइनस वन, दैट इज माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वायर e की पावर आयोटा ओमेगा t। तो वैल्यू मिलती है a इज इक्वल टू माइनस एज इट इज आगे मेंशन कर दिया, ओमेगा स्क्वायर को भी मेंशन कर दिया, a e की पावर आयोटा ओमेगा t। अब देखिए a इज इक्वल टू, ये जो आपको टर्म दिख रही है देखिए आप इसे रिलेट कीजिए, ये तो x के बराबर है, और अगर ये x के बराबर है तो a की वैल्यू आपको मिलती है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये हमारे SHM की इक्वेशन है, और अगर ये SHM की इक्वेशन है इट मींस ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये SHM की है, तो इट्स SHM, इसका नेचर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। चले फिर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारे पास में दे रखा है a sin square omega t,
ये यहाँ पर मल्टीप्लायर है, कॉन्सेंट, कॉन्सेंट कुछ भी हो सकता है। तो हम जिस क्वेश्चन को ले रहे हैं वो हमारा है x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा t, a साइन स्क्वायर ओमेगा t, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे dx बाय dt इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, a कॉन्स्टेंट है एज इट इज, सभी को साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आता है। ये है क्या बेसिकली, ये कुछ इसी तरीके से तो है, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा टू टू आगे आ जाएगा, कैसे याद कीजिए, एक्स की पावर एन, एन आगे आता है, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वैसे ही ये टू है, तो टू आगे आ गया मल्टीप्लायर में, और साइन ओमेगा टी की पावर टू माइनस वन, तो हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी पावर टू माइनस वन मतलब वन। फिर इसे हम एक्स, ये एक्स थोड़ी है तो साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो वो हमें मिलेगा मल्टीप्लायर में ओमेगा। तो चलिए हमने यहाँ मल्टीप्लायर में ओमेगा लिख दिया। इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, वैल्यू मिलेगी v इज इक्वल टू, देखते रहिए, ट्वाइस a ओमेगा, तो हमने लिख दिया ट्वाइस a ओमेगा, यहाँ है साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t, साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t, और अगर इस 2 को इसके आगे मल्टीप्लाई में रख दें तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन मिलता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है हमें a ओमेगा साइन 2 थीटा ट्वाइस, थीटा कितना है ओमेगा t, तो इसे हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और वेलोसिटी के वैल्यू से एक्सेलरेशन पता करेंगे, तो क्या मिलता है हमें dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन acc, लिख देते हैं क्योंकि a पहले से कांस्टेंट दिया हुआ था इसीलिए, इज इक्वल टू a ओमेगा कांस्टेंट है, a ओमेगा साइन ट्वाइस ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो हमें मिलेगा कॉस ट्वाइस ओमेगा टी, और मल्टीप्लायर में मिलेगा ट्वाइस ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन दैट इज ट्वाइस ओमेगा। इसे अरेंज करते हैं तो फाइनली हमें मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखते रहिए, ट्वाइस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। तो हमारा एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है, इनिशियली आप x की वैल्यू देख लीजिए, x की वैल्यू तो हमको क्या मिलती थी, x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उस फॉर्म में तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास में, यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ तो कॉस है, और उसे हम उस सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं आया, इट मींस इट इज नॉट SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं है। क्या ये पीरियोडिक है, यस ऑब्वियसली साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। फिर क्या ये ऑक्सीलरेटरी है, अब ऑक्सीलरेटरी के लिए हमें केवल एक ही बात चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है क्या किसी मीन पोजिशन के अराउंड, तो हाँ साइन फंक्शन में ऐसा ही होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो इसका मतलब ये SHM नहीं है, तो फिर ये क्या है, इट इज ऑक्सीलेटरी मोशन, ये ऑक्सीलरेटरी मोशन है। तो जो भी हमने क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क में दिया था उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और हमने पता किया कि हमारा नेचर ऑफ मोशन क्या है। क्लियर है सबके लिए,
चलिए इससे आगे मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था जिसमें एक डायग्राम दे रखा था और मैंने आपसे कहा था कि उस डायग्राम की हेल्प से आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो जो भी हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी को हम आगे फर्दर बढ़ा रहे हैं। चलिए वो भी अपना होमवर्क ही था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते रहिए क्या था होमवर्क में। एक पार्टिकल SHM कर रहा है, क्या कर रहा है? SHM। आप भी तो करते हैं सुबह शाम SHM। तो एक पार्टिकल क्या कर रहा है? SHM कर रहा है। ये उसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर ए प्लस ए। और आपका जब टाइम जीरो था तो आपका पार्टिकल इस जगह पे था, जगह मतलब कितनी डिस्टेंस पे था, तो ए बाय टू पे था और राइट हैंड साइड में मूव कर रहा था। क्लियर है? अब हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी ऐसा भी हो कि राइट हैंड साइड में मूव नहीं कर रहा और लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा हो सकता है कि जो उसकी इनिशियल पोजिशन है वो t इज इक्वल टू जीरो पे a बाय टू पे नहीं हो, a बाय रूट टू पे हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो हमारा पार्टिकल इनिशियली मर्जी हो वहाँ हो सकता है। हमें सबसे पहला काम एक ही करना है कि x की वैल्यू लिखनी है, x डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एक बेसिक जो अपनी इक्वेशन है वो ये है कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये हमारी इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, जहाँ पर a एम्पलीट्यूड है, दिख रहा है एम्पलीट्यूड, a पहले से मेंशन कर रखा है। फाई क्या है? फाई इनिशियल फेज, वो नहीं पता, वो पता करना है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता करने में a पता चल चुका है, फाई पता कर लिया तो काम खत्म हो चुका। वर्ड वर्ड ओमेगा, क्या हम ओमेगा पता कर सकते हैं? क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है, हमें केवल ओमेगा को ओमेगा के फॉर्म में ही रखना है। चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पता क्या करना है अब? फाई। फाई पता करने में कौन हेल्प करेगा? इनिशियल पोजिशन हेल्प करेगी कि जब t इज इक्वल टू जीरो था तो पार्टिकल कहाँ था? a बाय टू। पॉजिटिव a बाय टू या नेगेटिव? नेगेटिव वाली साइड है ये, तो ये नेगेटिव a बाय टू पे है, इसलिए हम वहाँ पुट करते हैं कि एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो हमारा x है माइनस a बाय टू। क्लियर है? कितना है? माइनस a बाय टू। चलिए फिर पुट करते हैं वैल्यू। हमने पुट की माइनस ए बाय टू इज इक्वल टू ए साइन टी की जगह जीरो, देन क्या मिला सीधा? फाइव। ए से कैंसल आउट, हमें मिलता है साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस हाफ। सोचिए साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस हाफ, साइन की वैल्यू माइनस हाफ के फॉर्म में, साइन की वैल्यू माइनस हाफ की फॉर्म में। सोचिए क्या साइन फंक्शन की वैल्यू माइनस हाफ की फॉर्म में कभी होती है? इमेजिनेशन कीजिए, साइन की वैल्यू जीरो से लेके 90 के बीच में पॉजिटिव, फिर 90 से लेके 180 के बीच में पॉजिटिव होती है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा प्लस में होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। यहाँ सारे पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट याद रखने का तरीका है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, इसका मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर 10 और यहाँ पर कौन, साइन और साइन का रिवर्स कॉस एक 10 और कॉट, और यहाँ पर कौन? कॉस। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास में है वो साइन पॉजिटिव है, तो इस वाले में साइन पॉजिटिव नहीं है, तो हो सकता है वो फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट पे हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे हो। तो हमें इससे साइन की वो वैल्यू निकालनी है जब वैल्यू हमको कितनी मिल जाए? माइनस हाफ। चले फिर स्टार्ट करते, लिखते, देखिए अभी सभी लोग क्या लिखा जाए। साइन, चलिए हाफ कब होता है याद कीजिए, आपको याद आ रहा है कुछ? साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 पे। साइन 30 क्या होता है? प्लस हाफ, बढ़िया, तो माइनस आ रहा है। और कॉस 60 क्या होता है? वो भी होता है प्लस हाफ। तो फिर हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू या फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए वो क्या है बताइए जरा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा वो कॉस में कन्वर्ट होता है, 180 कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता, लेकिन वैल्यू तो नेगेटिव ही आती है, तो हमको वैल्यू मिलेगी माइनस
वैल्यू नेगेटिव है तो मिल जाएगी माइनस, और वैल्यू आएगी साइन थीटा, तो माइनस आ गया और थीटा। अब हम देखेंगे थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अपन को अगर हम रखें 30 तो सीधा साइन 30 की वैल्यू हाफ और आगे माइनस साइन, और सीधा मिल जाएगा माइनस हाफ। इट मीन्स जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है उससे कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि साइन के कौन से फंक्शन के लिए वैल्यू इस तरीके से है। तो फिर ये एरो साइन का क्या यूज़ है जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, एरो साइन का क्या यूज़ है, किस तरीके से एरो साइन को हम अरेंज करें कि हमको अगर ये एरो लेफ्ट हैंड साइड में होता तो क्या वैल्यू आती, अगर ये एरो राइट हैंड साइड में होता तो क्या वैल्यू आती, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। हमें दिख रहा है साइन फाई इज इक्वल टू माइनस आ, तो एक बात पता चली कि साइन में कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, किस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। तो इसी से हमको ये बात पता चलती है कि साइन में थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो वैल्यू नेगेटिव के लिए हमारा जो साइन नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो वैल्यू लिखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, एक और हो सकता है, अगर हम लिखें साइन 180 प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, और एक और हो सकता है साइन 270 प्लस थीटा दैट इज अगेन माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर वैल्यू जिस तरीके से साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो साइन थीटा थीटा होना चाहिए 30, तो 30 होते ही हो जाएगा साइन 30 हाफ, तो जाएगा माइनस हाफ। और यहाँ थीटा कितना होना चाहिए, यहाँ थीटा होना चाहिए 60, तो 60 होते ही हो जाएगा कॉस 60 दैट इज़ अगेन हाफ, तो ये माइनस हाफ। तो यहाँ थीटा होना चाहिए 60, यहाँ थीटा होना चाहिए कितना 30, तो दो एंगल मिले हमें फाई के, एक फाई का एंगल मिला हमें 180 प्लस 30 दैट इज 210, और दूसरी वैल्यू कितनी मिली 270 प्लस 60 दैट इज 270 प्लस 60 330। ये दो एंगल मिले हमें, अब कौन सा फाई की वैल्यू होगी, तो हमको पता होना चाहिए। जनरल लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि केवल एक्स से नहीं, ये डायरेक्शन से वेलोसिटी भी हमें हेल्प करती। तो बताइए कि भाई हमारा वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ये अगर दे रखा है तो वेलोसिटी की इक्वेशन होगी वी इज इक्वल टू ए ओमेगा, सॉरी साइन नहीं, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है। अब देखिए क्या दिखता है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, इस तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, उस तरफ वाली डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, हम तो जीरो के उस तरफ है, नेगेटिव होना चाहिए। अरे जीरो के उस तरफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से मेजर करेंगे, इस जगह से, तो इस जगह से डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट उस तरफ मेजर कर रहा है इसलिए वो नेगेटिव है। बट आप देखिए कि अगर अपना पार्टिकल राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है तो वो मूव इस तरफ कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो फिर टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू अपनी पॉजिटिव है ए ओमेगा कॉस फाई। अब आप बता लीजिए, चेक करके अपन को पता चल जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो फाई की कौन सी वैल्यू हो, हमारे पास दो ही वैल्यू है 210 एंड 330। इसमें कॉस पॉजिटिव नहीं होता, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसको देख के हमें पता चला कि हमारे फाई की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 330। तो फाइनली जो अपनी इक्वेशन आएगी दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 330, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। और आपको इस तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है। अपना जो स्टडी मटेरियल है आप उनसे भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, क्लियर है। जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक को आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है,
यहाँ पर अभी तक हमने जो जो पढ़ा हुआ फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखते रहिए। पीरियोडिक मोशन सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद पढ़ा ऑक्सिलेटरी मोशन, उसके बाद पढ़ा पीरियोडिक फंक्शन, हमने टाइम पीरियड भी निकाला, बहुत हेल्प कर रहा है हमारी। उसी तरह SHM की इक्वेशन, और उन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे। अब अगला हमारा एक नया टॉपिक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में लिखा है BW, बिटवीन SHM एंड UCM। UCM, अब ये UCM क्या है? SHM तो पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो फिर UCM क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है? क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे सर्कुलर मोशन और SHM का क्या रिलेशन हो सकता है? ये कैसे पॉइंट आ गया SHM और UCM का रिलेशन? चले फिर चेक करते। एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी स्टडी करते। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसे एक्सिस में डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये अपना सेंटर पॉइंट। अब सपोज कर लीजिए कि इनिशियली पार्टिकल यहां था, मेंशन कर देते हैं कि टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका पार्टिकल यहां था, तो जहां था उस लाइन से इसने एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाया हुआ था फाई। एक्स एक्सिस से इनिशियली कितना एंगल बनाता? फाई, याद कीजिए, इनिशियल फेज फाई, मिल गया ना। और ये पार्टिकल ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगल पर यूनिट टाइम ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहा है, तो कुछ देर बाद वो पार्टिकल यहाँ आ जाता है, एट टी इज इक्वल टू टी, टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ आ गया, तो फिर हमने इस लाइन को यहाँ से मिला दिया। कितना एंगल कवर किया होगा? ओमेगा इज इक्वल टू एंगल बाय टाइम, देन एंगल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम, तो हमें मिलता है ये ओमेगा इंटू टी। तो पार्टिकल अभी यहाँ है। अब देखिए अपन ऑब्जर्व करते हैं, आप इस पार्टिकल का वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन इट मींस हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये प्रोजेक्शन, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये प्रोजेक्शन, ये वाई एक्सिस प्रोजेक्शन है और ये एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन है। अगर हम इनकी स्टडी करें तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चलता है। आप देखिएगा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है। इनिशियली पार्टिकल यहां था, तो फिलहाल वाई एक्सिस प्रोजेक्शन देखते हैं, तो अगर पार्टिकल यहां था तो उसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर लाइन ऑन द वाई एक्सिस, मतलब प्रोजेक्शन यहां था। फिर पार्टिकल जब यहां शिफ्ट हुआ होगा तो उसका पोजीशन यहां आ गया होगा, पार्टिकल जब यहां चला गया होगा पोजीशन यहां आ गया होगा, पार्टिकल जब यहां पहुंचा तो उसका पोजीशन वाई एक्सिस से उसी जगह पहुंच चुका, फिर पार्टिकल जब इस तरफ शिफ्ट हुआ तो पोजीशन यहां आ गया, पार्टिकल यहां आया पोजीशन यहां पर, पार्टिकल यहां पोजीशन यहां, पार्टिकल यहां पोजीशन यहां, पार्टिकल यहां पोजीशन यहां, चलता रह रहा है। क्या चला? देखो तो सही, इनिशियली पोजीशन यहां था, फिर पोजीशन यहां गया, फिर यहां आया, जब यहाँ पहुँचा होगा फाइनली पार्टिकल, फिर जब पार्टिकल यहाँ आया प्रोजेक्शन, ये देखो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहाँ पे? इस पे देखो, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर पार्टिकल ने एक रिवॉल्यूशन पूरा किया, तो प्रोजेक्शन ने क्या किया? उसने अभी तो अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर दिया, तो प्रोजेक्शन क्या कर रहा है? SHM। अगर हम वाई एक्सिस पे देखे या एक्स एक्सिस पे देखे, दोनों पे प्रोजेक्शन क्या करता है? SHM। रेलगाड़ी के दो पहिए होते हैं जो कि आपस में एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहते हैं। शाफ्ट क्या होती है? एक बहुत लंबी सी रॉड होती है, सपोज कर लीजिए कि दिख रहा है आपको ये, ऐसे एक पहिया यहाँ पर है, एक पहिया यहाँ पर है। आप देखेंगे जब पहिया चलता है तो एक पहिया चलता है, तो जब वो पहिया चलता है तो ये शाफ्ट ऐसे घूमती है,
इस तरीके से। फिर अगर हम फास्ट मोशन में देखें, जब रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही हो तो भैया शाफ्ट इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, शाफ्ट SHM कर रही है, लेकिन व्हील कौन सा मोशन कर रहा है, व्हील के पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, रिलेशन आया। तो उसी रिलेशन से हमने ये पता किया कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, आप देखिए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इसका हम रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन भी निकाल देते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है उसे भी ऑब्जर्व करते हैं। देखिए चलिए, अब अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस y, तो कैसे निकालेंगे, मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए ना, जो कि रेडियस है इसकी। तो सपोज कर लीजिए कि जो इस सर्कल की रेडियस है वो a है, a मान लिया मैंने, इसकी रेडियस a है, तो ये एंगल पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है तो ये भी कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई, दो पैरेलल लाइन क्रॉस कर दिया। तो इसके सामने वाली साइड हमको पता करनी है, मतलब परपेंडिकुलर पता करना है, इट मीन्स साइन। तो क्या मिलता है, y इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस a है तो हाइपोटेनियस को मैंने लिख दिया यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फाइनली मिला y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जानी पहचानी इक्वेशन, बहुत बार लिख चुके, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या है ये, ये है SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। और जो हमारे SHM की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो हमने कहाँ से लाई है, वो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का प्रोजेक्शन लिया है। और वो प्रोजेक्शन कहाँ पर लिया है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अभी तक जो हमने सीखा वो हमारे ऑसिलेशन वाले पार्ट का एक स्टार्टिंग फेज था, जो हमने यहाँ पर सीखा है। आपको सभी बातें यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम इसी पार्ट को नेक्स्ट आगे की तरफ और बढ़ाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनकी कुछ इक्वेशन निकाली थी, आपको याद होगा। तो अब मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो अपना मॉडल दे रखा है उस मॉडल में से क्वेश्चन करें, और फर्दर हम इस पार्ट को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे वो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, तो वो किस किस तरीके के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करें। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।